फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल जानेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने मैथ्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम अपनी 8 क्लासेज में कम्प्लीट कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है, जिसकी हमने 2 क्लासेज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन की 3rd क्लास और अपनी सीरीज की 11th क्लास करेंगे। 11th क्लास में दोस्तों आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल के बारे में जानेंगे। ये सीरीज दोस्तों सभी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो जरूर देखें। सिंप्लीफिकेशन की आज ये 3rd क्लास है। देखो दोस्तों, हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है। पहली 2 क्लासेज में दोस्तों हमने वी बोर्ड मास रूल के बारे में जाना। सिंप्लीफिकेशन में जो हमारे पास फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं उन फॉर्मूलाज के बारे में जाना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम दोस्तों जो रूल हमारे रह जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास आज के लिए जो फर्स्ट रूल है वो क्या है। अगर हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, क्या है ये सीरीज, 1 by n into n plus 1 plus 1 by n plus 1 n plus 2 plus 1 by n plus 2 n plus 3, और अप टू सो ये चलता रहता है, n plus r minus 1 n plus r इक्वल टू, ये किसके होता है, इसके, और फिर ये इक्वल टू किसके होता है, इसके। तो अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी सीरीज देखने को मिलती है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1 by -1 by n plus 1। या फिर हमें ऐसी सीरीज देखने को मिल सकती है, ये क्या है, 1 by n minus 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 2 minus n plus 3 प्लस अप टू सोन 1 by n plus r minus 1 minus 1 by n plus r। ये दोनों ही सीरीज दोस्तों किसके इक्वल होती है, 1 by n minus 1 by n plus r। अब ये सीरीज कैसे हम दोस्तों यूज करेंगे इसका क्वेश्चंस में, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो वो क्या है, इसमें दोस्तों इस सीरीज का हम यूज करेंगे, इस रूल का हम यूज करेंगे। तो ये सीरीज कैसे आई और कैसे इसका रूल, कैसे ये सीरीज आई और कैसे इस रूल का हम यूज कर सकते हैं, अभी हम वो सीखेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है, 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 20 up to 7, हमारे पास ये चलता रहता है, प्लस इंफिनिटी। अब दोस्तों देखो, 1 by 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by 2 multiply 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही हम इस 12 को 3 multiply 4, ऐसे ही 20 को 4 multiply 5 प्लस अप टू 7 ऐसे लिखेंगे दोस्तों इसको। अब दोस्तों अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है और ऊपर भी हमारे पास 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by 2 minus 1 by 3। क्योंकि दोस्तों 1 by 2 minus 1 by 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 by 6। तो 1 by 6 की जगह पर हम 1 by 2 minus 1 by 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों ये प्लस का सिंबल ऐसे कैसे, 1 by 3 minus 1 by 4 1 by 12 को लिख सकते हैं। अब दोस्तों प्लस 1 by 4 minus 1 by 5 ये ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे 2 multiply 3, ये हमेशा याद रखेंगे। अगर डिवाइड में 2 है ये और इनके बीच का डिफरेंस 1 है और ऊपर भी हमारे पास 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद हमारे पास वही आ जाता है। अब दोस्तों ये हमारे पास है ऐसे। अगर मैं ये बोलू कि यहाँ अप टू सोन चलते हुए कुछ लास्ट में टर्म दे रखी है, तब हम कैसे यूज करेंगे इसको। अगर हम ऐसे लिख ले 1 by 2 minus 1 by 3 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 by 5, और आगे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 1 by 2 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 5 आएगा, -1 by 6 plus up to 7। अगर ऐसे लिख ले कि ये 1 by 19
और माइनस वन बाई ट्वेंटी तक है। इसकी लास्ट टर्म मान ले हमें ये दे रखी है, इसमें वो हमें कितने ही टर्म दे सकता है, लास्ट वेंडिंग पॉइंट भी देगा। तो अभी मान ले कि ये हमारे इस टर्म पर रुक जाती है, ऐसे चलते चलते ये यहाँ तक दे रखी है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, वन बाई थ्री है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल। ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल। ये माइनस का और आगे हमें ये प्लस का मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या बचेगा, जो स्टार्टिंग की टर्म है और जो हमारे पास लास्ट की टर्म है। लास्ट की टर्म दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार होगी, अगर लास्ट में कोई और टर्म दे रखी है तो उसकी लास्ट टर्म कोई और होगी, ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिया है। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म होगी वो बचेगी और जो लास्ट टर्म होगी वो बचेगी। तो यहाँ से हमारे पास अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू टेंजा माइनस वन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, नाइन बाय ट्वेंटी। क्या आया हमारे पास, नाइन बाय ट्वेंटी। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका आंसर है। अब दोस्तों इससे कैसे मैच करेंगे हम इसको, जैसे ये सीरीज हमारे पास बन रही है, क्या है ये सीरीज, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। यहां से अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय टू, इस सीरीज को अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहां लिख लू मैं वन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन, क्योंकि टू प्लस वन यहां पर क्या है, थ्री, प्लस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पर क्या है, वन बाय फोर। तो दोस्तों जो ये सीरीज बन रही है, ये सेम ये सीरीज बन रही है, तो इस सीरीज को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहां पर, कि वन बाय एन माइनस वन बाई एन प्लस आर। जो हमारे पास वन बाई एन है वो क्या है, स्टार्टिंग की टर्म है, और जो हमारे पास वन बाई एन प्लस आर है वो क्या है, लास्ट की टर्म है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने से पहले ही ये लिख दें कि ये हमारी फर्स्ट टर्म और ये हमारी लास्ट टर्म, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें इसको यूज कैसे करेंगे, अब तो मैंने आपको ये बताया कि ये सीरीज है जो हमारे पास, ये बनती कैसे है, इसको डायरेक्ट हम, हमारे पास ये फॉर्म है दोस्तों, ये वाली फॉर्म है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम दो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, टू इंटू टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन इंटू टू प्लस टू प्लस अप टू सोन, ये चलता जाएगा। ये हमारे पास ये वाली फर्स्ट वाली सीरीज है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बाय टू माइनस टू प्लस वन प्लस वन बाय टू माइनस टू प्लस वन और टू प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन। ये दोनों सीरीज दोस्तों हमारे पास ये आ चुकी हैं। अब इसको ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हम डायरेक्ट ये टर्म पुट कर सकते हैं, ये टर्म हमारे पास क्या है, वन बाई एन माइनस वन प्लस एन प्लस आर। जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ पहले वाली टर्म लेनी है और माइनस में लास्ट वाली टर्म लेनी है। जैसे लास्ट वाली टर्म हमारे पास ये थी वन बाई ट्वेंटी, यहाँ भी जो लास्ट वाली टर्म थी वो हमारे पास वन बाई ट्वेंटी हमने मान ली, तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, जो हमारे पास वन बाई एन फर्स्ट वाली टर्म है और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वन बाई एन स्टार्टिंग में जो टर्म है, इसको दोस्तों हमने क्या लिखा है, वन बाई सिक्स, तो हम क्या करेंगे, वन बाई सिक्स माइनस वन बाई ट्वेंटी, जो वन बाई टू माइनस वन बाई ट्वेंटी। यहां से हमारे पास वन बाई एन क्या है, वन बाई टू, और यहां से भी वन बाई एन क्या है, वन बाई टू, तो यहाँ क्या लिखना है, वन बाई एन, तो यहां से भी वन बाई एन वन बाई टू है, यहां से भी वन बाई एन वन बाई टू है, यहां से जो हमारे लास्ट टर्म है दोनों सेम है, तो इसका आंसर हमारे पास सेम वही आएगा जो हमने अभी सॉल्व करके देखा था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सीरीज बनती है तो हम उसको डायरेक्ट बिना सॉल्व करे क्या लिख सकते हैं कि वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस आर, पहली टर्म और माइनस लास्ट टर्म। तो आगे कोई भी
क्वेश्चन आए हमारे पास और उसमें ये सीरीज, ये दोनों सीरीज में से कोई एक भी सीरीज बन रही है आपके पास, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखोगे, 1/n-1/n+r, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म लिखते उसको सोल्व कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस रूल का ऐसे हमें यूज करना है। जैसे दोस्तों हमारे पास ये दो सीरीज बन रही थी उनके लिए आंसर ये आएगा, ऐसे ही हमारे पास ये भी सीरीज बन सकती है। ये क्या है हमारे पास, 1/n(n+2)+1/n(n+2)+4, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 1/n+4(n+6)+(n+2)-2(n+2)। अगर इस टाइप की सीरीज हमारे पास बनती है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 1/2(n-1)n+2)। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें होगा, अगर इस टाइप की सीरीज बनती है तो हम ये लिखेंगे, अगर इस टाइप की सीरीज बनती है तो हम ये लिखेंगे। डिफरेंस क्या है दोस्तों इसमें और इसमें, जो इसका आंसर है उसमें 1/2 कॉमन ले रखा है और जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज लिख रखी है। तो दोस्तों ये 2 रूल हमारे जो रह गए थे लास्ट क्लासेज में उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं वो आसानी से क्लियर हो जाए। अभी हम जान लेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास, क्या है देखो, 2 + x 2 = x है हमारे पास, ये क्या है, 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, ये है हमारे पास। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा अलग था, इससे मिलता जुलता था वो अपना क्वेश्चन सोल्व किया था, उससे भी आपको अनुमान लगा लिया होगा कि कैसे ये सोल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास 4 × 3 = 12 और 1 क्या आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। 13/4 है तो ये उल्टा हो जाएगा 4/13 और फिर 13 × 13 और 4 = 17/13। ऐसे ही हम इसको डायरेक्ट करके दोस्तों और फिर इसको वापस उल्टा करके इस साइड ले आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ मैं दोस्तों आपको ये करके दिखाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता है, तो उनके लिए हर एक स्टेप मैं लिखूंगी। वैसे दोस्तों आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप एग्जाम में डायरेक्ट करोगे इसको। 4 × 3 = 12, 12 + 1 = 13/4 आएगा। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये 1 के डिवाइड में है तो इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, x + 1/13 = 13 और 13 और 4 = 17/13। ये फिर 1 के डिवाइड में है तो इसका फिर हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल। ये दोस्तों रेसिप्रोकल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कोई नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इस तरह से प्रॉपर लिखते हैं। यहाँ भी क्या है, ये 1 के डिवाइड में है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13/17 आ जाएगा। अब दोस्तों निकालना क्या है x की वैल्यू, तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, 2 ऐसे कैसे चल रहा है, अब 2 − 13/17 = x। यहाँ हमारे पास ये साइड प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 17 × 2 जब हमारे पास 34 हो जाएगा, −13 / 17 = हमारे पास x आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 21/17, ये हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई। ठीक है दोस्तों, ये हमने सम सोल्व किया और इस टाइप से ये सम सोल्व करना है ताकि हमारे पास जो वैल्यू है x की वो हम फाइंड आउट कर सके। अब दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, 2 / 1/1 − 2 + 1 − 1/2 मल्टीप्लाई 3/5/6 ऑफ
थ्री बाय टू डिवाइड बाई वन इंटू वन बाय फोर, टू डिवाइड बाई वन प्लस वन बाय वन माइनस वन बाय टू मल्टीप्लाई थ्री बाय फाइव बाई सिक्स ऑफ थ्री बाय टू डिवाइड बाई वन इंटू वन बाय फोर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम दोस्तों कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ये हमारे पास इन कूलम यानी बार होता है, ये हमारे पास ब्रैकेट होती है, ये हमारे पास ओफ का सिंबल है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। इसके बारे में दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ हमारे पास क्या है, टू वन, यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, टू वन जा टू, टू में से बन गया वन, तो हमारे पास क्या आएगा वन बाय टू। इसको हम डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं, वन है हमारे पास, वन में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हाफ बचेगा। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ बार इसमें है नहीं है, ब्रैकेट हम इसमें स्मॉल दे नहीं रखी, बड़ी ब्रैकेट हम सोल्व कर ही रहे हैं। इसके बाद है ऑफ, तो हम पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई और थ्री बाय टू। अब ये हमारे पास डिवाइड में क्या है, फोर वन जा फोर और वन फाइव बाय फोर। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, देखो यहां से हमारे पास टू प्लस, ये वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टू हो जाएगा, क्योंकि वन मल्टीप्लाई टू बाई वन आएगा और ये हमारे पास क्या होता है टू। आगे है दोस्तों हमारे पास मल्टीप्लाई थ्री डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे थ्री टू जा हमारे पास सिक्स आएगा, फाइव बाई क्या आ जाएगा फोर। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस तरह से प्रॉपर लिखेंगे, क्या आएगा फोर बाय फाइव। अब यहां से दोस्तों हमारे पास टू बाई थ्री आएगा, क्योंकि टू प्लस वन थ्री, और थ्री डिवाइड बाई फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास वन, और थ्री से थ्री कैंसिल तो हमारे पास आंसर क्या आया टू। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, पहले हमने ऑफ सोल्व किया, फिर हमने डिविजन सोल्व की, फिर इसको मल्टीप्लाई में सोल्व किया। तो दोस्तों इसमें हमें बोर्ड मास रूल का उपयोग करना है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो वो गलत आएगा। और दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस के जितने आंसर होते हैं वो अगर हम कहीं ये रूल अप्लाई नहीं करते हैं तो क्वेश्चन के आंसरों में भी वो आंसर मिल जाता है और उसको हम सही सोच लेते हैं, लेकिन वो दोस्तों गलत होता है, आंसर वही ठीक होगा जो हम बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, माइनस फोर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू प्लस मोड माइनस सिक्स और डिवाइड में हमारे पास एटीन माइनस नाइन डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों अभी तक हमने एक भी नहीं किया था, क्योंकि इसमें मोड यूज हुआ है। और दोस्तों वी बोर्ड मास रूल क्या करता है हमारे पास, कि सबसे पहले हमने या तो बार दे रखा हो बार सोल्व करना, और या मोड दे रखा हो तो मोड सोल्व करना, ये हमारे पास क्या होता है मोडलेस। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे हम। दोस्तों मोडलेस का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है जब इससे बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव निकलेगी। जैसे हमारे पास कुछ भी हो, यहाँ पर फोर माइनस एट है, ये हमारे मोड के अंदर है फोर माइनस एट। अब दोस्तों फोर माइनस एट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस फोर होती है, लेकिन जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो दोस्तों मोड का मतलब क्या है, कि जो उससे बाहर वैल्यू निकलेगी वो हमेशा प्लस की होगी। अब इसका दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे, देखो कैसे, यहां हमारे पास क्वेश्चन है ये, यहां से दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो फोर माइनस सिक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू, और माइनस टू का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फोर आएगा, क्योंकि स्क्वेयर में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू होता है, और टू को टू से फोर मल्टीप्लाई करेंगे टू का स्क्वेयर फोर हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस टू का स्क्वेयर हमारे पास क्या होता है, प्लस। तो यहां से हमारे पास माइनस फोर आएगा। इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले हम मोड सोल्व करेंगे, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहां से जो हमारे पास माइनस सिक्स है उसको मोड से बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस का सिक्स आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 18 माइनस, यहां भी सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन को, क्योंकि बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन।
ऑफ इसमें है नहीं है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर ब्रैकेट है अभी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। और 9/3 हमारे पास क्या होता है 3, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे माइनस का 3, और मल्टीप्लाई में 5 हमारे पास एज इट इज है। अब हम ऊपर क्या सोल्व करेंगे ब्रैकेट, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 3 × 6 और प्लस 6, और यहां से हमारे पास 18, पहले क्या सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 5 × 3 = 15 आया। अब दोस्तों हमारे पास बोर्ड मास रूल क्या करता है, ब्रैकेट ऑफ डी डिवाइड मास एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो हम पहले क्या करेंगे एडिशन, और यहां से हमारे पास क्या आएगा 3, तो यहां से 12 में से 4 गए हमारे पास 8 और डिवाइड में 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया 8/3। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, मोड हटाया हमने, फिर हमने सॉल्व किया अपने बोर्ड मास रूल के अनुसार। तो इस टाइप के समय में दोस्तों आपने बोर्ड मास रूल का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, हमने ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, माइनस और ब्रैकेट में है डिवाइड बाय 20.04। इस टाइप के सम को दोस्तों हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ये है और डिवाइड में क्या है इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या है ये हमारे पास 20.04। मैं कुछ भी यहाँ दोस्तों डायरेक्ट नहीं करूंगी, अगर आपको कुछ डायरेक्ट करना है तो मैं आपको बता दूंगी कि क्वेश्चन में किस टाइप से करना है और यहाँ किस टाइप से करना है, क्योंकि यहाँ मैं आपको हर एक कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक एक पॉइंट, ताकि जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है उसका भी क्लियर हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, डिवाइड में 100, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है हमारे पास डिवाइड में उतनी ही क्या आएंगी 0, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने ही डिवाइड में क्या आएंगी 0। तो यहाँ हमारे पास ऊपर ये आएगा और डिवाइड में हमारे पास 100 आएगा। इसके बाद दोस्तों इसको हम एज इट इज लिखेंगे और माइनस ये हमारे पास है, अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे हम। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे दोस्तों, अब मल्टीप्लीकेशन को सेव करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, ये तो ये हमारे पास 2 पे डायरेक्ट कट जाएगा, अब इसको 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो यहां हमारे पास क्या आया, इसमें से हम क्या कर देंगे 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 13 में से 5 = 8 और यहाँ 9, ये हमारे पास क्या आया आंसर आया। ऐसे दोस्तों आपको सॉल्व करना है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको सॉल्व क्या करना है, आपको ये देखते ही समझ जाना है इससे नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, कि यहाँ डिविजन को हम मल्टीप्लाई में करेंगे, इसके डिवाइड में 100 आएगा और इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे 100/ ये, और इसको सोल्व करके 50 लिख देंगे। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये स्टेप करना है, ऐसे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे ये करोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है, 100^(1/2) मल्टीप्लाई 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 और प्लस 5/4 माइनस इसकी पावर 1। तो दोस्तों इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, 100 की पावर 1/2 का मतलब हमारे पास 100 होता है, ऐसे ही 0.001 की पावर 1/3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस 0.0016 की पावर हमारे पास 1/4 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, और प्लस इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, अगर इसकी पावर माइनस में है और 1 के डिवाइड में इसको हम ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/5। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि पावर माइनस में हो उस पर रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4/5।
अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 100 हमारे पास क्या होता है, 100 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो दो में से एक बाहर आएगा 10। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, वहां आपको ये देखना है कि 100 का अंडर रूट हमारे पास 10 होता है तो डायरेक्ट 10 लिखेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक स्टेप सोल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में दोस्तों आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 0.001 हमारे पास क्या होता है, 1 बाई डिवाइड में 3 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, और इसके ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है तो इसको क्या करेंगे, 3 में से वैल्यू 1 बाहर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/10। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारे पास 1/10 आएगी, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0.1। आपको वहां माइंड में ये सोच लेना है कि 0.001 का क्यूब रूट होगा जो वो क्या होगा, 0.1। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास 0.0016, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 और डिवाइड में क्या लगाएंगे, 40। अब 16 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8 2 16, और डिवाइड में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 ऐसे आएगा। अब इसमें 4 में से एक बाहर लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, 2/10, और 2/10 हमारे पास क्या होता है, 0.2, क्योंकि अगर डिवाइड में एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। तो आपको वहां डायरेक्ट ये सोच लेना है कि इसका आंसर हमारे पास 0.2 होगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 4/5 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/8 जहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 40। तो 4/5 को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0.8। तो दोस्तों ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट कर देनी है, वहां करके देखने का टाइम नहीं होता। अब हमारे पास दोस्तों क्या है, देखो यहां से ये 10 मल्टीप्लाई 0.1 है, इसको 1/10 लिखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 1 -0.2 + 0.8। अब 1.0 लिख देंगे वन को, और 0.2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.8। तो 0.8 यहाँ से आया और प्लस 0.8 यहाँ है, 0.8 और 0.8 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 16, और 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.6। तो आपका आंसर इस सम का क्या आया, 1.6। तो इस टाइप से दोस्तों आपने ये सम करने हैं। आपको माइंड में ही यह पता होना चाहिए कि इसका अंडर रूट ये है, इसका अंडर रूट ये है, तो डायरेक्ट आप पुट कर दोगे, जिससे आप आसानी से जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 50/x = x/12 × 1/2। यहाँ आपने फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। देखो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 50/x = x/12 × 24 24 × 25/2, और इसको हम क्या लिख लेंगे, x = 2/25। क्या लिखेंगे इसको, x = 2/25। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/25। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या आएगा, 2x² = 25 × 50। अब हम 2 को इस साइड डिवाइड में लाएंगे, 2 को इस साइड डिवाइड में आएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 25, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट 25 × 25, और अंडर रूट में 2 में से 1 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 25। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सम सॉल्व करना है। यहाँ एक एक स्टेप आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, वहां आपको ऐसे एक एक स्टेप नहीं लिखना है, वहां आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास है 0.008 × 0.01 × 0.072, और डिवाइड में है, ऐसे डिवाइड में लिख लेते हैं इसको, इसके डिवाइड में है हमारे पास 0.12 × 0.004 ये है दोस्तों हमारे पास 0.008 × 0.01 × 0.072, डिवाइड में है 0.12 × 0.0004। तो दोस्तों इस सम को सोल्व
पहले तो मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी यहाँ समझाने के लिए, फिर आपको बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे करना है। यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 8 बाई डिवाइड में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, फिर यहां से 1 बाय, फिर यहां से हमारे पास 72 बाय ये आएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी ही डिवाइड में जीरो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 12 बाय 100 मल्टीप्लाई 4 बाय यहाँ डिवाइड में 3 और 4 4 डिजिट है तो 4 जीरो। इसके बाद दोस्तों हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास ऊपर से आएगा 1/100 मल्टीप्लाई 72 बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा और यहाँ से हमारे पास ये आएगा। अब इसको दोस्तों कट करेंगे तो 12 6 72 और 4 2 जा हमारे पास 8 होता है। अब यहाँ से 1 2 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 1 2, 1 1, ऊपर से हमारे पास बचा 12 और नीचे से 100 तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.12, ये हमारे पास क्या आएगा 0.12। ऐसे हम इस सम को सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आपने एग्जाम में क्या करना है, यहां से डायरेक्ट काउंट कर लेना है कि कितने जीरो आएंगे ऊपर पॉइंट के बाद। देखो यहाँ कितनी है, 3 4 5 6 7 8 हमारे पास ऊपर जीरो कितनी है 8, 2 और 4 6 नीचे जीरो कितनी है 6, तो ऊपर हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 2 जीरो, जो पॉइंट के बाद कितने जीरो ज्यादा है वहां 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट वहां ज्यादा है 2। और डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे, ऊपर से हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 72 और नीचे से हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 4, 12 और 6 72 और 4 2 8 और ऊपर से 12 आया और 12 कितने पॉइंट के बाद डिजिट है 2 के, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 12 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ऐसे भी हमारे पास आंसर ये आएगा। तो डायरेक्ट करना है आपको वहां, ये जीरो है जो वो काउंट कर लेनी है ऊपर कितनी जीरो पॉइंट के, कितने जीरो के बाद पॉइंट है, नीचे कितने जीरो के बाद पॉइंट है, काउंट कर लेना है, कट कर देनी है। तो ऐसे डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे करके वहां नहीं दिखाना है, क्योंकि कितनी ही बार दोस्तों जितने ही जीरो ऊपर होते हैं इतने ही नीचे होते हैं तो वो ऐसे ही कट जाते हैं और डायरेक्ट लिखा और कट गया। अगर हमारे पास यहाँ 8 के ऊपर तो नीचे भी 8 हो तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सीधा क्या आएगा 12। तो ऐसे डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन वहां एग्जाम में कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है, 3 × 1/4 डिवाइड में हमारे पास 1 × 1/4 -1/2, 2 × 1/2 -1/4 -1/6 और ये हमारा बार के अंदर है और इसके बाद डिवाइड बाय है, इसको डिवाइड में लिख लेंगे, क्या है हमारे पास 1/2 ऑफ 4 × 1/3, क्या है दोस्तों 3 × 1/4 डिवाइड में 1 × 1/4 -1/2, 2 × 1/2 -1/4 -1/6 और डिवाइड में ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, वीक और मास रूल क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखो 4 × 12 और 1 13/4 है ये हमारे पास, इसको हम 4 × 1 = 4 और 1 = 5/4 लिखेंगे -1/2, 2 × 4 = 5/2। अब यहाँ बार को अलग से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 1/12। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/12, ये सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया 1/12, तो डिवाइड में है हमारे पास 1/2, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4 × 3 = 12 और 1 13/3। अब दोस्तों इसको ऊपर वाले की ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 5/4 -1/2, ये मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ अलग से कर लेंगे 5/2 -1/12, यहां से हमारे पास 12, 2 6 = 12, 6 5 = 30 -12 = 1 आएगा तो यहां से 29/12। अगर हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 29/12, ये हमारे पास आया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और ये सॉल्व करने के बाद 29/12 और नीचे है हमारे पास जो डिवाइड में है वो क्या है 13 1 जा 13 और 3 2 जा 6।
अब दोस्तों इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 13 बाई 4 डिवाइड में हमारे पास 5 बाई 4 माइनस, ये 29 बन जाए 29 और 12 दो जा 24। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो साइड में करके देखेंगे 5 बाई 4 माइनस 29 बाई 24, यहां से हमारे पास 24 एलसीएम आएगा, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30 माइनस यहां से 29 और 1 बाई 24। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 बाई 24, यहां लिखेंगे 13 बाई 4 डिवाइड में क्या आएगा 1 बाई 24 और ये हमारे पास डिवाइड में है 13 बाई 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 13 बाई 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये भी डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल लिखेंगे, यहां से हमारे पास 4 6 जा 24, 13 1 जा 13, 6 6 जा 36, तो हमारे पास आंसर क्या आया 6 6 जा 36 हमारा आंसर आया। कैसे किया दोस्तों, बार को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व किया और लास्ट में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके हमने ये क्वेश्चन कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों बोर्ड मास रूल का यूज करके हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, इसके बाद प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, उसके बाद हमारे पास प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, उसके बाद है माइनस 3 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 और डिवाइड में है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 और माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.1। अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों हम ऐसे पॉइंट डाल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे, ये तीन बार है, ये भी तीन बार है, ये भी तीन बार है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हम जो हमारे पास 0.1 है उसको ए मान लेंगे, जो 0.2 है उसको बी मान लेंगे और जो हमारे पास 0.3 है उसको सी मान लेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करके देखो, ये तीन बार है तो इसको ए का क्यूब लिख देंगे, ये बी मानना है तीन बार है बी का क्यूब, यहाँ ये सी मानना है 0.3 ये सी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ से माइनस 3 ए बी सी ए बी सी, ऐसे ही दोस्तों डिवाइड में देखेंगे ये हमारे पास ए का स्क्वेयर हो जाएगा, ये बी का स्क्वेयर हो जाएगा, ये सी का स्क्वेयर हो जाएगा और ये हमारे पास यहां से माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ई, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में फॉर्मूले करवाए थे उसमें ये फॉर्मूला था कि जो हमारे पास ये होता है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के, ये हमारे पास सारा किसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। दोस्तों ये आया कहां से था, हमारे पास एक फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू किसके होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें से दोस्तों इस सारे को अगर हम इसकी डिवाइड में ले आए तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये यहाँ पर लिखी हुई है। अब दोस्तों ये सारा ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या मान रखे 0.1, बी की वैल्यू 0.2 और सी की वैल्यू 0.3। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.6। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और ऐड कर देंगे तो 0.6। तो दोस्तों इस फॉर्मूले की सहायता से अगर हम इस सम को करते हैं तो इतना भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम ये देख लेंगे कि ये तीन बार मल्टीप्लाई में है, ये भी तीन बार मल्टीप्लाई में है, ये भी तीन बार मल्टीप्लाई में है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन रहा है ये, तो डायरेक्ट माइंड में सोच लेंगे कि ये सारा किसके इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के
और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास ऐड करके 0.6 आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर हम दे सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको डायरेक्ट माइंड में ही इसका आंसर सोच लेना है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास आज के क्वेश्चन। आज हमने दोस्तों कुछ रूल के बारे में डिस्कस किया और फिर 10 क्वेश्चन सोल्व किए जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।